दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले की हाईलाइट देखिए सिर्फ एक क्लिक में। जी हाँ दोस्तों, हम दिखाएंगे आपको पूरी हाईलाइट इस मुकाबले में। उससे भी अगर आप टीम इंडिया के यहाँ पर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की आज बल्लेबाजी से आप खुश हो गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज एशिया कप का इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला खेला गया श्रीलंका के कैंडी में। दोस्तों इस मुकाबले का फैंस को दिलचस्पी से यहाँ पर इंतजार था। दोस्तों इस मुकाबले में हमें देखने को मिला यहाँ पर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, पहले टीम इंडिया ने टॉस जीता, वहीं यहाँ पर पाकिस्तान गेंदबाजी करने आई तो टीम इंडिया पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने उतरी। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और वहीं यहाँ पर शुभमन गिल, दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने ओपनिंग पार्टनरशिप करी। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी की शुरुआत यहाँ पर चौकों के साथ करी। कप्तान रोहित शर्मा की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर बारिश से पहले यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर दोस्तों कुछ देर यहाँ पर बारिश हुई, उसके बाद यहाँ पर मुकाबला रुका 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद दोस्तों गेंद यहाँ पर स्विंग होने लगी, फिर दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज यहाँ पर शहनशाह अफरीदी गेंदबाजी करना है। दोस्तों उनकी लगातार 5 यहाँ पर गेंदें डॉट बॉल रही यहाँ पर रोहित शर्मा के सामने, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने ओवर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार गेंद डाली और गेंद दोस्तों यहाँ पर इन स्विंग होते हुए विकेट के अंदर घुस गई, जिसके साथ कप्तान रोहित शर्मा दोस्तों यहाँ पर 11 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा ने 22 गेंदों का सामना किया और यहाँ पर 11 रन बनाए, इसमें यहाँ पर इन्होंने 2 शानदार यहाँ पर बाउंड्रीज मारी थी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान रोहित शर्मा, लेकिन बारिश के बाद पूरी टीम इंडिया की यहाँ पर किस्मत ही पलट गई। 50 रन से रोहित शर्मा कप्तान, 11 रन के स्कोर पर आउट। शहनशाह अफरीदी को यहाँ पर विकेट मिला, शहनशाह अफरीदी ने यहाँ पर मैच का पहला विकेट लिया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में और बहुत ही बड़ा झटका लगा टीम इंडिया को। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल भी यहाँ पर एक छोर से टिके रहे, 32 गेंदों पर 10 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। काफ़ी दबाव में दिखाई दिए शुभमन गिल यहाँ पर, खासकर दोस्तों यहाँ पर जब नसीम शाह गेंदबाजी करने आया तब शुभमन गिल काफ़ी दबाव में दिखाई दिए। शुभमन गिल ने यहाँ पर एक चौका मारा अपनी पारी के दौरान। हरीश रोप ने शुभमन गिल को भी यहाँ पर 10 रन के स्कोर पर बॉल कर दिया। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर आए यहाँ पर विराट कोहली, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि विराट कोहली का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा चलता है और इस मुकाबले में फैंस को यही उम्मीदें थी कि विराट कोहली इस यहाँ पर इस कंडीशन से बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों विराट कोहली की बात की जाए तो 7 गेंदें खेली यहाँ पर और 7 गेंदें खेलते हुए यहाँ पर 4 रन बनाए। शुरुआत तो चौके के साथ अच्छी करी थी, लेकिन यहाँ पर शहनशाह अफरीदी गेंद पर विराट कोहली दोस्तों 4 रन के स्कोर पर बोल्ड हो गए और यहाँ पर शहनशाह अफरीदी ने मुकाबले में अपना दूसरा विकेट ले लिया। शहनशाह अफरीदी ने भी शानदार गेंदबाजी करी, पहले कप्तान रोहित शर्मा को चलता गया 11 रन के स्कोर पर, तो वहीं दोस्तों तीसरे पे यहाँ पर चेस मास्टर विराट कोहली को 4 रन के स्कोर पर आउट किया। शहनशाह अफरीदी को मुकाबले में अभी तक 3 विकेट मिल चुकी थी। दोस्तों उसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे। श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर 9 गेंदें खेली और 9 गेंदों का सामना करते हुए शानदार यहाँ पर 14 रन बना दिए थे। हमने 14 रनों की पारी में लगातार 2 चौके भी मार दिए थे। दोस्तों इसके बाद हरीश रोप ने एक शानदार गेंद डाली और सीधा विकेट कीपर बल्लेबाज यहाँ पर फकर जमान ने शानदार कैच किया और यहाँ पर श्रेयस अय्यर को विश्वास नहीं हुआ और 14 रनों के स्कोर पर श्रेयस अय्यर का विकेट भी गिर गया और 150 रन बनाकर आउट हुए। हरीश रोप को भी मुकाबले में 2 विकेट ले लिए। इसी के साथ शहनशाह जी को 2 विकेट मिल चुके थे। 5 नंबर फिर यहाँ पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल को बीसीसीआई ने यहाँ पर 2 मुकाबले के लिए 12 बिठाया है, इसके चलते यहाँ पर ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और ईशान किशन ने इस मौके को भुना दिया। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने कठिन परिस्थिति में यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सबको खुश कर दिया। ईशान किशन की बात की जाए दोस्तों, अभी यहाँ पर 76 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन की एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। अभी तक इन्होंने 8 चौके तो 2 छक्के भी मार दिए। ईशान किशन ने 97.36 की शरीर से अभी शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोस्तों इनके साथ खिलाड़ी है यहाँ पर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, 66 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन की धुआंधार पारी खेली। हार्दिक पांड्या की इस पारी में 3 शानदार चौके शामिल थे। 80.30 की शरीर से इन्होंने भी यहाँ पर ईशान किशन का साथ निभाया और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अभी यहाँ पर 120 रन की इससे ज़्यादा की पार्टनरशिप कर ली है 5 विकेट के लिए। ईशान किशन ने 8 शतक मारा, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने अभी यहाँ पर 8 शतक पूरा किया है। दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी टीम इंडिया का स्कोर दोस्तों 35 ओवर के बाद यहाँ पर 183 रन हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 5.5 के रन रेट से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये टीम के स्कोर तो कहाँ तक आगे पहुँचाते हैं ये देखना भी यहाँ पर दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों अभी टीम इंडिया ने यहाँ पर ईशान किशन और यहाँ पर हार्दिक पांड्या के शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 181 रन बना दिए हैं। दोस्तों अगर आप आज के मुकाबले में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी से खुश हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।